ये कहानी है लंदन में रहने वाले एंथनी और रंडल नामक दो दोस्तों की। एक बार वो एक जू में गए जहां उन्हें एक शेर का बच्चा बहुत पसंद आया। ये जानते हुए भी कि शेर जानलेवा हो सकता है, वो उसे खरीद कर घर ले आए। इसका नाम उन्होंने क्रिश्चियन रखा। कुछ ही दिनों में क्रिश्चियन इनके साथ घुलने मिलने लग गया। वो इनके साथ फुटबॉल खेलता, नहाता और इनके घर में रहता। लेकिन समय के साथ क्रिश्चियन का आकार बड़ा होता चला गया, जिस कारण उसे एक छोटे से घर में रख पाना संभव नहीं था। इसलिए एंथनी और रंडल ने उसे अफ्रीका के घने जंगलों में छोड़ दिया। लेकिन एक साल बाद क्रिश्चियन की याद आने पर वो दोनों दोबारा उस जंगल में गए और उसे उसी आवाज में पुकारा जैसे वो उसे हमेशा पुकारते थे। कुछ समय बाद जंगल से एक शेर निकल कर आया। इसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए। क्रिश्चियन इनके साथ किस तरीके से गले मिलने लगा। शायद वो इन्हें ये बताना चाहता होगा कि वो भी इन्हें बहुत मिस कर रहा था।